लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद रह चुकी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी ने लिखा, भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 हेतु अपनी 17वीं सूची में दो नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। रायबरेली के अलावा बीजेपी ने कैसरगंज से भी उम्मीदवार उतारा है। पार्टी ने करण भूषण सिंह को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में चुनाव लड़े थे। साल 2019 की एक चुनावी सभा में जब पीएम मोदी ने दिनेश प्रताप सिंह के कंधे पर हाथ रखा, इसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी।